साइबर सुरक्षा के फील्ड में सम्मानित पूर्व ट्विटर सुरक्षा प्रमुख पीटर मजजट को सोशल नेटवर्क खरीदने के लिए $44 बिलियन के सौदे को तोड़ने के लिए इलॉन मस्क के कानूनी दांव में एक वाइल्ड कार्ड है। ट्विटर ने 21 वर्षीय जटको की शिकायत को बिना योग्यता के खारिज कर दिया है और यह दिखाने की कसम खाई है कि ट्विटर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि अदालत इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करती है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति फैक्ट जो मनी मज्जर से जुड़े हों को अच्छी तरह से एकत्रित नहीं कर पाए हैं तो जटको के आरोप विचार योग्य नहीं रह पाएंगे। जटको ने इस मंगलवार को अमेरिकी सेनेट की एक कमेटी के सामने गवाही देनी है जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या ट्विटर पर सुरक्षा व्यवस्था खतरनाक रूप से ढीली थी। 24 साल पहले जटको ने पहली बार कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई किया था। उस समय वह एक लंबे बालों वाला हैकर था जो खराब संरक्षित सरकारी कंप्यूटर सिस्टम के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए दृढ़ था। ट्विटर की साइबर सुरक्षा में जो उन्हें खामियां पता चली हैं उस बारे में डिटेल्स देने के लिए इस बार US सेनेट कमेटी के सामने उन्हें बुलाया जाएगा।